नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से आज की बात में एक बार फिर हाजिर हूं। बात करेंगे सैनिकों की वापसी। तालिबान के खिलाफ 20 साल तक जंग लड़ने के बाद अमेरिकी सैनिक जल्द अफगानिस्तान से चले जाएंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिक वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में तैनात 2500 अमेरिकी सैनिकों को 11 सितंबर तक वापसी का आदेश दिया। अमेरिका ने तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए 2001 में अफगानिस्तान के अंदर अपने सैनिक भेजे थे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन नाटो में शामिल देशों को भी इसकी जानकारी देंगे। अमेरिका अपने सैनिकों को 9/11 हमले की 20वीं वर्षी के पहले वापस बुलाना चाहता है। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने कई हफ्तों पहले ही इस फैसले के संकेत देने शुरू कर दिए थे। इस समय अफगानिस्तान में 7000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। इनमें से ज्यादातर नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन के हैं। पिछले एक साल में तालिबानों ने कई अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया है। वे अफगानिस्तान की सेना पर भी आए दिन हमले करते रहते हैं। इससे पहले ट्रंप सरकार ने अफगानिस्तान से 1 मई को अमेरिकी सैनिकों के लौटने के डेडलाइन तय की गई थी। अमेरिका चाहता है कि तालिबानों के साथ शांति का समझौता। इसके लिए यूएसए तुर्की में यूएस के दखल के एक बैठक के लिए जोर दिया गया था। अमेरिका ने भी एक बार प्रस्ताव तैयार किया था। इसमें तुरंत एक नए लीगल सिस्टम को बनाने का जिक्र था जिसमें तालिबानों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन गनी ने उसे खारिज कर दिया था। अलकायदा के 9/11 हमले के बाद साल 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में सेना उतारी थी। इस युद्ध में अमेरिका ने 2400 सैनिकों को खोया है। साथ ही इस युद्ध पर अमेरिका ने $2 ट्रिलियन यानी 150 लाख करोड़ रुपए के करीब खर्च किए हैं। मई 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, लेकिन ना तो तालिबान खत्म कर पाया और ना ही अफगानिस्तान में शांति स्थापित कर पाया। बाइडेन प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि लंबी बहस और कई रिपब्लिकन के विरोध के बावजूद राष्ट्रपति बाइडेन ने यह निर्णय लिया है। अमेरिका के सेना वापस बुलाने के फैसले से एशियाई की शांति पर खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तालिबान पहले की तरह मजबूत नहीं है। ये तो तय है कि पाकिस्तान पूरी तरह तालिबान को मदद करेगा। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि वापसी के बाद अमेरिका का रोल किस तरह रहेगा। तालिबान ने हरकत की तो अमेरिका एयर अटैक जैसे कदम उठाएगा। रही बात भारत की, तो इसमें ना नुकसान है और ना फायदा। भारत तो अफगानिस्तान की हर तरह से मदद कर रहा है। हम अफगानिस्तान की सेना को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। भारत आगे मदद के लिए अपने सैनिक को भी भेज सकता है। भारत के नजरिए से शांति रहे तो बेहतर है, क्योंकि पाक और तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुर्की के अगर अफगानिस्तान की मदद करता है तो पूरे इलाके में शांति बनी रहेगी। अफगानिस्तान में अभी अफगानी तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान सक्रिय है। इसके साथ ही सीरियाई का आईएसआईएस हकानी ग्रुप भी पाकिस्तान संचित तालिबान जैसे आतंकी संगठन को मदद कर सकता है, लेकिन आतंकी संगठन तालिबान अब कमजोर हो गया है। भले ही अफगान की 60% जमीन पर तालिबान का प्रभाव हो, लेकिन अफगानिस्तान फौज लड़ भी रही है और मरने के लिए तैयार भी है। ऐसे में अफगानिस्तान को मजबूत ही कहेंगे। अमेरिका अभी अफगानिस्तान में 7 जगहों पर मजबूती से बैठा है। रणनीति के तहत वो केवल सेना को वापस बुला रहा है, लेकिन वापसी के बाद भी अमेरिका सक्रिय रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि फिर वो ध्यान न रखे। अगर तालिबान हमलावर रहा तो वह वापस सेना भेज सकता है और एयर अटैक जैसे कदम भी उठा सकता है। मैं फिर मिलूंगा एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।